कपाल की बात की थी, कपाल सूचकांक के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या क्या देखा था कि हमने अलग अलग उसको कपाल के सिर की लंबाई के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा था, जिसमें हमने बात की थी कि अगर 78% से कम अगर कपाल सूचकांक आता है तो उसका सर कैसा होगा, वो लंबे सर वाले होंगे। अगर 78 से 82% के बीच में आता है तो उसका सर कैसा होगा, मध्यम सर वाले होंगे। उसके बाद 82% से ऊपर अगर सूचकांक आता है तो उनका सर कैसा होगा, वो छोटे सर वाले होंगे। ठीक है, तो ये हमने तीन आपका जब हमने बात की थी कपाल सूचकांक की तो उसमें हमने तीन भागों में बांटा था। इसी तरीके से हम नासिका सूचकांक को भी अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, नाक कैसी है, संकरी है, पतली है, या मध्यम नासिका है, या फिर कैसी है आपकी जो चपटी नासिका है, उसके हिसाब से हम इसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं बेसिकली। तो लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से हम इसको बांटते हैं, लंबाई और चौड़ाई दो मुख्य फैक्टर होते हैं इसके। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, नाक की लंबाई और चौड़ाई का प्रतिशत निकालते हैं। जिसमें क्या देखते हैं, यदि नासिका सूचकांक क्या है आपका 70% से कम है, सबसे अगर किसी के नासिका सूचकांक है तो उसके नाक कैसी मिलेगी, पतली मिलेगी। इसके बाद क्या है, अगर 70 से 85% के बीच में नासिका सूचकांक है तो उसकी नाक कैसे मिलेगी आपको, मध्यम आकार ये मिलेगी। तो वहां पर कितने वो नाक कैसी होगी, उस नाक को क्या कहा जाएगा, उसको चपटी आकार की नासिका कहा जाएगा, चपटी या फिर चौड़ी नासिका। तो ये जो इंडेक्स निकालते हैं हम, तो ये किसके बेसिस पर निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई देखते हैं नाक की, और उसके फिर उनका प्रतिशत निकालते हैं। उसके बाद हमने तीन भागों में इसको बांटा है प्रतिशत के हिसाब से। अगर प्रतिशत होता है तो पतली नाक होती है, 70 से आपका 85% तक होता है तो क्या होता है आपका, मध्यम नासिका होती है, और अगर 85% से अधिक होती है तो उसको क्या कहते हैं, चौड़ी नासिका वाले कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लोग हैं पतली नासिका वाले बेसिकली तो किन रीजंस में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी आपका जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर कैसी नोजल मिलती है, जिनका जो नजल इंडेक्स है वो कितना हो, 70% हो, वो लोग वहां पे मिलते हैं, और उनकी नाक कैसी होती है, पतली होती है। इसके बाद जो आपके दूसरे प्रकार की जो है मध्यम नासिका है, ये कहाँ मिलती है आपकी, मध्य अक्षांशों में मिलती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र उनमें मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, और इसके साथ साथ जो आपके क्या है महासागरीय क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर, और दूसरा क्या, ऑस्ट्रेलिया जो है वहां के लोगों की नासिका कैसी है, मध्यम आकार है, जिसका जो आपका नासिका सूचकांक है वो कितना है, 70 से 85% के बीच में। तीसरी की बात करें, 85% जिससे ऊपर जिनकी नासिका सूचकांक है, तो उनमें कौन लोग आ जाते हैं आपके, जो इंग्लैंड के निवासी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि ये जो निवासी है आपके यूरोपियन कंट्रीज के, ये जिस जिस भी रीजन में गए, जहां पर भी इन्होंने अपने उपनिषद बनाए, जिस भी देश में ये गए, तो वहां पर भी आपको क्या है, ये जो निवासी है यहाँ के मूल, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वहां पर भी आपको दिखाई दे सकती है। तो ये क्या है आपका, नासिका सूचकांक है दूसरा, जिसके आधार पर हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग भागों में लो जो हमारी रेसेस है, प्रजातियां है, उनको क्लासिफाई कर देते हैं। तो ये यूजीसी नेट में पूछा जाता है, इस वजह से मैंने इसको ज्यादा अच्छे से कराया है। तो इसमें एक क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे इसमें ये पूछा जाता है कि पतली नासिका सूचकांक का कितना होता है, मध्यम नासिका सूचकांक कितना होता है, और चौड़ी नासिका सूचकांक कितना होता है।